हरियाणा में 1 से 6 साल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दूध उपहार योजना शुरू की गई। लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की। इन दोनों योजनाओं की शुरुआत करने के पीछे सरकार की मंशा कुपोषण को दूर करना तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने सभी उपयोक्ताओं से कहा कि वे मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल करें और संबंधित जिलों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया तथा कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने दूध उपहार योजना के तहत 3 बच्चों और 2 महिलाओं को स्किन मिल्क पाउडर के पैकेट वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के पैकेट बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी जिलों में इन दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को स्किम मिल्क पाउडर और सैनिटरी नैपकिन के पैकेट बांटे गए। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड सुगंधित स्किन मिल्क पाउडर दिया जाएगा। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 10 से 45 वर्ष तक की किशोरियां व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे। आज इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है प्रदेश का, आपने सुना होगा कि मैंने पिछले वर्ष भर में जो बातें कही हैं, हमारा उसमें फोकस वो 4S पर फोकस हमेशा मैंने बताया, और 4S में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन, अभी 4S थे जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं लगातार। शिक्षा पर बराबर काम हो रहा है, स्वास्थ्य पर बराबर काम हो रहा है, स्वावलंबन, लोगों को अपने रोजगार मिले, अपने पैरों पर खड़े हों, और सुरक्षा के नाते भी सब चीज़ें ठीक की जा रही हैं। उसी की एक कड़ी में आखिर स्वास्थ्य के नाते से महिलाओं का स्वास्थ्य और बालकों का स्वास्थ्य, छोटे बच्चों का स्वास्थ्य, इसकी चिंता विशेष इसलिए भी बनती है कि अगर महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी, उसका भी स्वास्थ्य तो आखिर कैसे ठीक होगा। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो इसलिए जो भी समस्याएं हैं, विशेष तौर पर अनीमिया की समस्या कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस अनीमिया प्रभावित जो भी हमारी माताएं, बहनें, बालिकाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब की ओर मैं सबसे पहले तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उपायुक्त महोदय हैं, उनको इस बात के लिए ज़रूर आग्रह करूँगा कि जो तालिका है उस तालिका में आपका स्थान कहाँ है, आप रैंकिंग में पूरे प्रदेश में 22 जिलों में कहाँ खड़े हैं। अगर संयोग से आपका स्थान थोड़ा अच्छा है तो जितना ध्यान देना बताया जा रहा है उतना तो ध्यान देंगे ही, लेकिन अगर तालिका में आपका स्थान बहुत नीचे है तो वहाँ के जितने भी उपायुक्त महोदय हैं, इस योजना को अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ला करके और वहाँ कैसे महिलाओं में और बच्चों में ये अनीमिया की जो समस्या कैसे हल हो, इसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। विशेष तौर पर एक जिले की जानकारी तो मैं शेयर कर सकता हूँ, है नूह जिला। नूह में अनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे दूसरे जिले कौन कौन से हैं, मेरे पास अभी तालिका नहीं है, लेकिन जो भी हैं आपके पास हमेशा साथ रहती है वो तालिका, ऐसे सब जिलों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।